स्टूडेंट्स पोटेंशियल डिफरेंस पर प्रॉब्लम है। यहाँ पर हम एक एनालॉगस एग्जांपल के जरिए फर्स्ट इसको एक्सप्लेन करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उनको हम फर्स्ट एनालॉगस एग्जांपल लेंगे उन दोनों की, फिर आ जाएंगे किस तरह हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इसकी फिजिकल मीनिंग देखते हैं। सो देखिए, अगर आप ग्राउंड कंसिडर कर लें, ये है अर्थ सर्फिस, आप कंसिडर कर लें अर्थ सर्फिस। अब यहाँ से देखिए क्या होता है कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, यू एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, यहाँ से आप इसको उठाते हैं ऊपर ले जाते हैं। जब आप इसको ऊपर ले जाते हैं सो आप अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसको हम वेट कहते हैं, वेट, और इस पर आप ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करेंगे, ये वाला जो कि अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। जो आप इसको उठाते हैं देखें, सो एक तो फोर्स लगेगा और दूसरी जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसमें वो ये है कि आप हाइट कवर कर लेंगे। जो आप हाइट कवर करेंगे सो देखें आप लेंथ भी कवर कर रहे हैं, फोर्स भी लग रहा है। इट मीन्स के जो आप डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, एक्चुअली आप वर्क डन कर रहे हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी। बिकॉज अगर आप अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क डन नहीं करेंगे सो आप उसको नहीं उठा सकते, क्योंकि इस पर जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो टुवर्ड्स द अर्थ लग रहा है। सो अब यहाँ पर जितना वर्क डन आप करेंगे वो एक्चुअली स्टोर होगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी, यानी जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। यहाँ पर अगर आप हाइट जीरो लेते हैं, यानी ये आप रेफरेंस पॉइंट कंसिडर कर ले, यहाँ पर अगर हाइट जीरो है सो इट मीन्स यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, बिकॉज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, एम एम जी एच। सो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं एच इंक्रीज होता है, उसके साथ साथ इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो भी इंक्रीज होती है। सो बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पर एग्जांपल लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, सॉरी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की। आप एक जो है वो, या हम दो प्लेट्स कंसिडर कर लेते हैं, एक आप कंसिडर कर ले पॉजिटिव प्लेट जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, यूं हम इसको ड्रा करते हैं। ये है एक चार्ज प्लेट जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज एक प्लेट, और एक दूसरा प्लेट हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं यू, ये एक्चुअली नेगेटिवली चार्ज होगा। यानी हम देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस कितना होगा, कैसे हम डिफरेंस को डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर। सो अगर आप देखिए, अब इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स वो आउटवर्ड होती है फ्रॉम पॉजिटिव और टुवर्ड्स होती है नेगेटिव। सो इस तरह आप इसको ड्रा कर सकते हैं। अगर हम एजेस को इग्नोर करें सो इनसाइड द प्लेट्स फील्ड इस तरह होगा, ये हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो डायरेक्शन है, जो पैटर्न है उसका, बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। सो अब देखें, जब आप यहाँ पर कोई चार्ज कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉइंट है, यहाँ पर आपने चार्ज लिया हुआ है प्लस क्यू, कंसिडर कर ले इसको, इन पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर आप इसको फ्रीली छोड़ ले यहाँ पर, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें, सो ये पॉजिटिव प्लेट इसको क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव होंगे और नेगेटिव जो प्लेट है वो उसको अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज ये दोनों अपोजिट चार्जेस हैं। सो चार्ज जो है वो मूव करेगा टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव प्लेट। इसी तरह अगर आपने इसको हायर पोटेंशियल पर ले जाना है, जिस तरह कि यहाँ पर हम देखिए ऑब्जेक्ट को लोअर से ले जा रहे हैं हायर पोटेंशियल पर, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, इसी तरह यहाँ पर आप चार्ज को ले जा रहे हैं लोअर से, ये लोअर पोटेंशियल है, लोअर, लोअर से आप इसको मूव कर रहे हैं हायर पोटेंशियल की तरफ। जब आप लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं सो तब आप इस पर एक्सटर्नल वर्क डन करेंगे, और जब आप इस पर एक्सटर्नल वर्क डन करेंगे सो वही वर्क डन एक्चुअली स्टोर होता है एज अ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, जिस तरह के यहाँ पर स्टोर होता है एज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जितना आपने वर्क डन किया उतनी अमाउंट की एनर्जी स्टोर होती है। तो बिल्कुल इसी तरह जितना आप वर्क डन करेंगे उतनी अमाउंट की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर स्टोर होगी। तो दोनों ये जो है एनालॉगस एग्जाम्पल्स हैं। अब स्टेटमेंट की तरफ आ जाए, बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट्स, यानी दोनों के दरमियान, इस प्लेट के दरमियान जो कि पॉजिटिव है और इस प्लेट के दरमियान डिफरेंस कितना है पोटेंशियल का, वो 10 वोल्ट्स है, यानी ये वाला नेगेटिव जो है एक्चुअली इससे 10 डिजिट कम है। अगर ये फॉर एग्जांपल 20 है सो ये 10 होगा, इस तरह अगर ये 50 है सो ये 40 होगा, इस तरह अगर ये 0 है सो ये -10 होगा, यानी 10 वोल्ट्स इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। अक्रॉस अ कंडक्टर
अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर पासिस थ्रू इट, यानी जब हम 10 वोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं किसी जगह पर, इस तरह की यहाँ पर आप प्लेट्स के दरमियान आपको नजर आ रहा है, अभी हम अगर इनके दरमियान कंडक्टर से इनको जो है कनेक्ट कर ले, तो कितना करंट पास हो रहा है, ये जरूरी नहीं कि ये कम्बिनेशन हो, ये जस्ट हमने एग्जाम्पल को समझाने के लिए किया है। आप कंसिडर कर ले कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें करंट पास हो रहा है 1.5 एम्पियर, 10 वोल्ट्स उसकी पोटेंशियल डिफरेंस उसको हमने प्रोवाइड किया हुआ है, हाउ मच एनर्जी वुड बी ऑब्टेंड, जब इतना आप पोटेंशियल डिफरेंस देंगे और इतना उसमें करंट पास हो रहा है, सो कितना जो कितनी अमाउंट की एनर्जी वो ऑब्टेन करेगा फ्रॉम द करंट इन 2 मिनट्स। जब आप 2 मिनट्स के लिए करंट को मतलब मेंटेन रख के उसकी फ्लो को, सो इन 2 मिनट्स में इतना अगर करंट हो और ये पोटेंशियल डिफरेंस हो, सो कितनी एनर्जी ऑब्टेन करेगा। अब देखें वर्क डन जो हम यहाँ पर कर रहे हैं वो एक्चुअली स्टोर हो गए एज पोटेंशियल एनर्जी। सो फर्स्ट अगर हम डेटा पर गौर करें, डेटा डेटा में हमें क्या क्या गिवन है देखिए, उसके मुताबिक हम एक सूटेबल इक्वेशन जो है मैथमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है V इज इक्वल टू 10 वोल्ट्स, एंड वोल्टेज गिवन है अक्रॉस अ कंडक्टर अ करंट ऑफ 1.5 एम्पीयर पासिस थ्रू इट, एंड करंट जो यहां पर फ्लो कर रहा है वो कितना है, करंट वो है 1.5 एम्पीयर्स, 1.5 एम्पीयर्स ये इसकी यूनिट है करंट की, 1.5 एम्पीयर करंट पास हो रहा है। हाउ मच एनर्जी वुड बी ऑब्टेंड फ्रॉम द करंट इन 2 मिनट्स, टाइम गिवन है 2 मिनट्स का। अब देखें 2 मिनट्स जो है एक्चुअली वो इंटरनेशनल सिस्टम में यूनिट नहीं है टाइम की, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं इंटरनेशनल यूनिट में, सिस्टम इंटरनेशनल की जो यूनिट हमारे पास वो सेकंड है, तो इसीलिए 2 को आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, सो ये आ जाएगा 120 सेकंड्स, ये टाइम आ जाएगा टोटल 120 सेकंड्स टाइम है, तो इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, यानी हमने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, तो इसकी जगह हम यहाँ पर ई लिखेंगे, ये हमने कैलकुलेट करनी है। सो देखें जो वर्क डन होता है इलेक्ट्रिकल केस में, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में जो वर्क डन हम डिफाइन करते हैं वो हम किस तरह लिखते हैं, वो है डब्ल्यू, यहाँ पर आप सोल्यूशन लिखें, सोल्यूशन यानी इस प्रॉब्लम को हम किस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू वी, यानी जब आप वी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं और क्यू आपके पास अमाउंट ऑफ चार्ज है, वो इन पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वो मूव कर रहा है, सो जितना आप चार्ज और जितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं उन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होता है इलेक्ट्रिकल वर्क डन के, ये आप इसके साथ ई लिख सकते हैं चूंकि पता चले कि ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन है। अभी देखें क्यू हमें नहीं गिवन, चार्ज नहीं गिवन, हमें आई और टी गिवन है, लेकिन हमें इलेक्ट्रिकल करंट की डिफिनेशन से जानते हैं, ये है इलेक्ट्रिकल करंट एक्चुअली क्यू बाई टी के इक्वल होता है, या हम यू लिख सकते हैं कि क्यू जो है एक्चुअली क्यू किसके इक्वल होगा, आई टी के, आई टी, सो क्यू की जगह आप आई टी पुट कर सकते हैं, यह आ जाएगा डब्ल्यू ई इज इक्वल टू आई टी, क्यू की जगह आई टी पुट कर ले और वी अपनी जगह पर आ जाएगा। अब देखिए इसमें आप जस्ट वैल्यूज इंसर्ट कर ले, आई की वैल्यू हमें गिवन है इलेक्ट्रिकल करंट की, वो है 1.5, इसी तरह टाइम गिवन है 120 सेकंड्स, ये आ गया, और वोल्टेज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसको वो है 10 वोल्ट्स। अब इन सब को अगर आप मल्टीप्लाई कर ले तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए इन तीनों को मल्टीप्लाई कर ले, 1.5 इसको स्टार्ट कर लेते हैं, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 10, सो इससे आ जाएगा 1800, यानी जो वर्क डन यहाँ पर होगा वो हमारे पास आ जाएगा 1800 जाउल्स के। अब जो वर्क डन जिस तरह के पहले हमने एक्सप्लेन किया कि जितना आप वर्क डन कर लेंगे इसके ऊपर वो स्टोर होगा एज अ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, सो हम इसके साथ लिख सकते हैं इतना वर्क डन हुआ और ये इक्वल होगा स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1800 जॉल्स, यानी इस डेटा के मुताबिक हमारे पास इस सर्किट में अगर हम इतना करंट मेंटेन रख के इतने टाइम के लिए और चार्ज हमें इलेक्ट्रिकल करंट हमें गिवन हो, वोल्टेज गिवन हो, सो इतनी उसमें जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो स्टोर हो जाएगी।